एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए लोग। राजस्थान के बांसवाड़ा के दानापुर में एम्बुलेंस ने किया मरीज का खेल खत्म। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। दानापुर में एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने 108 पर कॉल कर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन घर पहुंची एम्बुलेंस मरीज को लेकर घर के बाहर ही खड़ी रही। जांच करने पर पता चला कि एम्बुलेंस में पेट्रोल ही नहीं था। मरीज की तबीयत बिगड़ती देख परिजन एम्बुलेंस को धक्का देकर अस्पताल ले गए और रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन की लापरवाही नजर आई। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया और कंपनी के खिलाफ ही कार्रवाई की। घटना के बाद बांसवाड़ा के CMHO हीरालाल तबियार और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। घटना 108 एम्बुलेंस से टक्कर के बाद दो लोगों की मौत हुई थी। युवक को बाइक पर जाते हुए एम्बुलेंस ने मारी टक्कर। युवक का जयपुर के SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हादसा सवाई माधोपुर के भाड़ौती खिरनी रोड पर हुआ था। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को खाट से हॉस्पिटल ले गए। दुमका में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गांव में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। अमरपानी गांव के धोनेसोल टूडू की पत्नी बाहा मरांडी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। आरोप है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ही रोक ली। मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस के उड़ गए पर खच्चे। अंदर लेटे 4 पेशेंट्स की दर्दनाक मौत। भयानक एक्सीडेंट अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर हुआ। एक निजी एम्बुलेंस मरीज और उनके परिजनों को जयपुर ले जा रही थी। एम्बुलेंस की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। चारों मरने वाले एक ही परिवार के हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से मरीज की मौत। जयपुर से डायलिसिस कराकर सेंदड़ा लौट रही महिला। दूधू के पास महिला की मौत हो गई। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म था। सेंदड़ा निवासी कविता को किडनी की परेशानी थी। सेंदड़ा से कविता को डायलिसिस के लिए जयपुर लेकर गए। कविता की बेटी योगिता ने आरोप लगाया है एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई। धनबाद जिला के झरिया शहर में लगे जाम में फंसी एम्बुलेंस 5 मिनट की दूरी तय कर अस्पताल नहीं पहुंच पाई। कोयरी बांध की सावित्री देवी की जान चली गई। परिजन ने एम्बुलेंस को निकालने के लिए मशक्कत की। 5 मिनट की दूरी तय करने में लग गई 1 घंटा। एम्बुलेंस के ड्राइवर की लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है। बढ़ती घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता है।